एवरीवन और वेलकम। और आज मैं आप सबके साथ हॉल वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि रॉ है। जस्ट अभी मुझे ये पैकेज रिसीव हुआ है अमेज़न की तरफ से। ये जो है ना पैकेट जो है ये जो नीचे का जो बॉक्स है ये डैमेज मुझे रिसीव हुआ है, तो मुझे अब ये टेंशन है कि कहीं इसके अंदर का माल भी तो नहीं डैमेज होगा। तो चलिए आप सबके सामने ही इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखती हूँ कि इसके अंदर से क्या निकलता है। गिली गिली गुफा और गुच्छा पूछी पूछी पूरे खाखरा अच्छा नहीं लगता उसमें भी ये वाला फ्लेवर। मेथी मेथी बट क्या करें, बच्चों के सामने खाना पड़ता है। तो अब इसके अंदर जो है जो कि वो खोलती हूँ और देखती हूँ कि क्या मिलता है। आराम से हाथ नहीं करते मम्मा, मैं थोड़ा सही हूँ ना। क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका, पूरा माइक्रोवेव ये हो गया 6 बॉक्स। देख लो कहीं टूटा फूटा नहीं है ना, बिना लिड का माइक्रोवेव कर सकते हैं। अभी मैं एक को खोल के दिखाऊंगी। स्क्रैचेस वगैरह नहीं ना है? नहीं, ये छोटा नहीं है, लेंथ में छोटा ही है। कितना एमएल है वो, पहले ही था ना? 525 एमएल है। 500 एमएल है। नहीं रखना, नहीं ठीक है। धनिया पत्ती सब के अच्छा यूज में आएगा? नहीं, अगर नहीं आएगा तो रिटर्न कर दो। नहीं नहीं आएगा ये यूज में, बहुत कुछ में टैटू का टैटू भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। कटिंग एज का है, मॉड्यूलर कंटेनर से माइक्रोवेव है। डिश कितना है, कितना एमएल है ये? 225 मतलब 2.2 कप्स। 525 ml है ना, ml में कम हो जाता है ना, मतलब समझो ना कि 200 ग्राम्स के प्रोडक्ट आ गए, 200 ग्राम ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं गलत। सीधा वो सीधा कर दो ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। और है अंदर में कुछ बड़ा? मैं उस समय तुमको बोल रही थी कि मम्मा बहुत बड़ा नहीं लग रहा था। कितना है मिलता था ये? देखिए दोस्तों, वॉश कर चुकी हूँ सारे कंटेनर्स को और उसके बाद फ्रिज के अंदर स्टोर की हूँ। ये जो छोटे वाले जो थे ना, जो छोटे वाले है ना, जो गोल्डी को लग रहा था कि बहुत छोटा है, तो ये एक्चुअली छोटा नहीं है, फ्रिज के लिए बहुत सही है। तो ये जो है इसके अंदर आप पालक या फिर मेथी पत्ती या कुछ भी जो है
आप स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए मैं स्टोर करके रखी हूँ, इसके अंदर जो है मेथी पत्ती जो है स्टोर करके रखी हूँ, फिर यहाँ पे कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया पत्ती, और इसके अंदर अच्छा खासा जो है स्टोर हो जाता है, यानी कि इसके अंदर 250 ग्राम जो है वो धनिया पत्ती था, तो समझिए उसके अंदर से 50 ग्राम जो है सो कि धनिया वो आपको रूट और ये सब निकल जाता है, तो 200 ग्राम आराम से इसमें कुछ इस तरह से भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन स्टोर करके रख चुकी हूँ, आप इसके अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर मैं धनिया पत्ती, यहाँ पर मैं देखिए ये स्ट्रॉबेरी जो है फ्रूट्स वगैरह आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं काबुली चना जो है वो स्टोर करके, मैं अच्छे खासे क्वांटिटी में आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे ये एक्चुअली कंटेनर बहुत बहुत पसंद आया है और प्राइस भी बहुत अच्छा है। मैं आपको प्राइस जो है स्क्रीन के ऊपर डाल देने वाली हूँ कि कितने प्राइस में ये मुझे पड़ा। इसके अंदर 6 बॉक्सेस हैं, यानी कि ये 4 और 2 और हैं, तो ये हो गया 5, और एक जो है वो उसके अंदर टोमेटो वगैरह कट करके रखी थी तो वो मीन्स इस्तेमाल हो गया, तो उसको वॉश करने में डाला हुआ है। ये जो आप सोचोगे कि छवि ये कौन से ब्रांड का, तो ये मेरा टपरवेयर का है, मैं बहुत ज्यादा टपरवेयर के भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, तो ये कटिंग एज है, ये टपरवेयर है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो कि ये आपने नहीं दिखलाया। तो फ्रिज के अंदर मेरे कुछ इस तरह से जो है वो बॉक्सेस रखे रहते हैं। अब आ जाते हैं, ये 6 है और इसके अलावा जो 6 और जो बड़े वाले बॉक्स में परचेज की थी वो कहाँ है वो तो दिखलाऊं, तो वो यहाँ रखा हुआ है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे, अच्छा फिर से वंस अगेन ये टपरवेयर का है जिसके अंदर ये जो है डबल स्टोरेज ये वाला मैं ऑनियन बारीक और ऊपर में बारीक और नीचे ऐसे लंबा करके कट करके फ्रिज में जो है वो रखी रहती हूँ। ये तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन 13 साल पुराना ये कंटेनर है, 13 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या होता है ना, पैसा तो लग जाता है, अगर आप कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो आपको पैसा तो लगता है बट वो प्रोडक्ट बहुत लास्ट भी करता है। ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको बड़ा वाला जो कंटेनर है जिसके अंदर अभी मैं बीन्स और ये देखिए ये 6 का जो आपको डब्बा मिलता है, यानी ये भी आपको 6 मिलता है और ये भी आपको 6 मिलता है, तो 4 फ्रिज के अंदर रखी हूँ, 2 अभी फ्रिज के अंदर नहीं डाली हूँ। तो आप कुछ इस तरह से फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन डाली हूँ, इसके अंदर कैरेट जो है वो छिलके डाली हुई हूँ, फिर भिंडी और ये, तो 1 kg के करीब में भिंडी आप कट करके आराम से इसके अंदर डाल सकते हो और आराम से 1 kg तक भिंडी इसके अंदर आ जाएगा। तो आप चाहें तो फ्रिज के अंदर कुछ इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, जगह भी काफी कम लेता है ये और आपका फ्रिज जो है वो भरा भरा नहीं लगता है। या फिर आप इसके अंदर दाल वगैरह भी डाल सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का है, आप चाहें तो इसको फ्रिज के अंदर डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर दाल वगैरह डाल सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिंक डाल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसमें पल्सेस वगैरह डाल सकते हैं, यानी कि दाल चावल वगैरह डाल सकते हैं आराम से 1 kg, कोई भी दाल आप आराम से 1 kg तक का ये दाल आप डाल सकते हैं। क्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा है। ब्रांड की अगर बात करते हो तो वंस अगेन बता दूं ये कटिंग एज है, मेरे तरफ से बिग वाला थम्सअप है। अगर आपका ध्यान इस कंटेनर के ऊपर जा रहा है तो ये मेरा तकरीबन 4 साल पुराना कंटेनर है। ये अगर ब्रांड की बात करते हो तो कौन सा ब्रांड है ये मुझे याद भी नहीं है, 750 ml का जो है ये जो है वो 750 ml है। तो मैं कुछ इस तरह के कंटेनर्स फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, जैसे बॉयल आलू करके डाल दी या फिर कुछ इस तरह से, तो मेरे मीन्स मेरे सॉरी फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह के कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं। देख लिया, अगर आप मुझसे पूछते हो तो बिग वाला थम्सअप है, आराम से आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। छोटे वाले जो कंटेनर जो है उसको आराम से आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं जैसे मैं स्टोर की हुई हूँ, और जो बड़े वाले कंटेनर है उसको ये वाले कहाँ गए वो ये वाले एक मिनट बड़ा वाला ये 2 अभी एम्प्टी है जिसके अंदर आज जो है मैं इसको इसके अंदर स्टोर करने वाली हूँ, बहुत सारे पालक और ये सब है वो सब इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो ये वाला जो कंटेनर है आप इसके अंदर जो है ना आराम से
चावल ग्राम, अगर ml की बात करते हो ना तो 1800 ml है, यानी 1800 ml मिलता है, तो आराम से आप 1 kg से ज्यादा जो है आराम से 1.25 किलो तक, 1.25 kg तक के प्रोडक्ट आप इसमें डाल सकते हो। और 1 kg चीनी हो, 1 kg पत्ती हो, 1 kg दाल हो, 1 kg चावल हो, कुछ भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, आराम से आपके ट्रॉली में पड़ा रहेगा और बहुत बेहतरीन है ये। तो आराम से आप फ्रिज के अंदर या फिर किचन के ट्रॉली के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आंख बंद करके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कटिंग एज का ये, ठीक है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भर भर के शेयर करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।